शांति। आज 5 जून 2024 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम साहेब जादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। प्रश्न है, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे समझते हैं वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, परंतु बाबा कहते हैं, बच्चे यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। कहा जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं, तुम खुश रहो नशे में रहो। यज्ञ में दधीची ऋषि के मिसल हड्डियां दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ओम शांति। बाप को कहा जाता है, करण करावनहार, तुम साहेब जादे हो, तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचा पोजिशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहेब जादे, साहेब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसकी बुद्धि में याद नहीं रहता है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं। अनेक सेंटर्स ही अनेक बच्चे आते हैं। हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में शांति सुख का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सुख और शांति, यह दो अक्षर ही याद करने हैं। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए, इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती। अपने को साहेब शादे समझो तो पाप खत्म हो जाए। बहुत है जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहते हैं। बाबा कहते, तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है? सेंटर्स पर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में वह नशा फलक होनी चाहिए, मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ तो बाबा देखते हैं बच्चों के और ही रोमांच डेढ़ रहते हैं। ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में यह याद नहीं रहता है कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विकर्म विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम वॉरियर्स हो, रावण पर जीत पाने वाले हो, बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़े ही है। कोई चीज नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर, माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वह कभी बाप को याद कर नहीं सकेंगे, फिर क्या पद पाएंगे? वंडर लगता है, तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए। अपने को साहेब शादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह न रहे। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने का ही नहीं है। इतना नशा रहना चाहिए, परंतु बिल्कुल ही डल जामड़ी बुद्धि है। तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। मनुष्य की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट होते हैं। बाबा बच्चों को कितना उल्लास मिलाते हैं। तुम साहेब जादे हो, दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते नहीं। उनको तुम समझाते हो कि सिर्फ तुम यह समझो, हम बाप के सामने बैठे हैं, बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे माया तुम्हारा बहुत कड़ा दुश्मन है, दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा है। मनुष्य तो जानते ही नहीं, तुच्छ बुद्धि है। बाबा रोज रोज तुम बच्चों को कहते हैं, तुम साहेब जादे हो, बाप को याद करो और दूसरों को आप समान बनाते रहो।
तुम सबको यह भी समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहेब है ना, तो हम उनके बच्चे साहेब जादे ठहरे। तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में यही याद रखना है, सर्विस में दधीची ऋषि मिसल हड्डियाँ भी दे देनी चाहिए। यहाँ हड्डी देना तो क्या, और ही अथाह सुख वैभव चाहिए। तबीयत कोई इन चीज़ों से थोड़े ही अच्छी होती है। तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा, वह खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए, अभी माया पर जीत पाते हैं, बाप आकर जीत पहनाते हैं। अभी भारत में कितना दुख है, अथाह दुख देने वाला है रावण। वो लोग समझते हैं एरोप्लेन है, मोटरें महल हैं, बस यही स्वर्ग है। यह नहीं समझते कि यह तो दुनिया ही खलास होनी है। लाखों करोड़ों खर्चा करते, डैम आदि बनाते, लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं। यह एक दो का खात्मा करने वाले हैं, निधन के हैं ना, कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं बात मत पूछो। कितना कीचड़ा लगा पड़ा है, इसको कहा जाता है नर्क। स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है, बड़ौदा की महारानी से पूछो। महाराजा कहा गया तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग किसको कहा जाता है यह कोई जानते नहीं। कितना घोर अंधियारा है, तुम भी घोर अंधियारे में थे। अब आप कहते हैं तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूँ, अपने को ईश्वरीय संतान साहेब जादे समझो। साहेब बढ़ाते हैं सहजादा बनाने के लिए। बाबा कहावत सुनाते हैं ना, रीढ़ छा जाने यानी भेड़ क्या समझे। अभी तुम समझते हो मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, क्या क्या भेड़ उपमा करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है। अच्छी रीति याद करो कि हम विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। वह भी तुम देखते हो कि कौन कौन मददगार बनते हैं। अपनी दिल से हर एक पूछे कि हम क्या कर रहे हैं, हम भेड़ बकरी तो नहीं हैं। मनुष्यों में अहंकार देखो कितना है, गुरु गुर करने लग पड़ते हैं। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस में हड्डियाँ देनी है, किसी को नाराज नहीं करना है न होना है, अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम यह करते हम इतने होशियार हैं, यह ख्याल आना भी देह अभिमान है। उसके चलन ही ऐसी हो जाती जो शर्म आ जाएगी, नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके। यह बुद्धि में याद रहे तो तुम चमकते रहो। सेंटर में कोई तो अच्छे महारथी है, कोई घोड़े सवार प्यादे भी हैं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कैसी कैसी ब्राह्मणियाँ हैं, कोई तो बड़ी मददगार है। सर्विस में कितनी खुशी रहती है। तुमको नशा चढ़ना चाहिए, सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, परंतु वह अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा क्या कहेंगे। तुम बच्चों को थोड़े में ही सबको बाप का संदेश देना है। बोलो, बाप कहते हैं मन मना भव। गीता में कुछ अक्षर हैं, आटे में लून यानी नमक। यह ह्यूज दुनिया कितनी बड़ी है, बुद्धि में आना चाहिए। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने मनुष्य है, यह फिर कुछ भी नहीं रहेंगे। कोई खंड का नाम निशान नहीं होगा। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह दिन रात खुशी रहनी चाहिए। नॉलेज तो बहुत सहज है, समझाने वाले बड़े रमज बादशाह, अनेक प्रकार की युक्तियाँ हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत डिप्लोमेट बनाता हूँ। वह डिप्लोमेट एम्बेसिडर को कहते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। ओहो, बेहद का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं। तुम धारण कर औरों को भी बाप का परिचय देते हो। सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो नास्तिक भी है ना,
बाप को याद ही नहीं करते, खुद कहते हैं बाबा हमको याद भूल जाती है, तो नास्तिक ठहरे ना। ऐसा बाप जो साहेब ज़्यादा बनाते वह याद नहीं आता है। यह समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं मैं हर 5,000 वर्ष बाद आता हूँ, तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूँ। तुम वॉरियर्स कितने अच्छे हो, वंदे मातरम तुम गाए जाते हो, तुम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने हो, अब श्रीमत पर फिर से पूज्य बन रहे हो, तो तुम बच्चों को बड़ा शांति से सर्विस करनी है। तुम्हें अशांति नहीं होने चाहिए। जिनकी रग रग में भूत भरे हुए हैं वह क्या पद पाएंगे? लोभ भी बड़ा भूत है। बाबा सब देखते रहते हैं हर एक की चलन कैसी है, बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, कोई सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते, तो फिर 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी। दास दासियां भी तो बनेंगे ना। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना है, दिल पर तो सर्विसेबुल ही चढ़ेंगे। तुम्हारी सर्विस ही यह है, किसको अमरलोक का वासी बनाना। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं, धारणा करो। देह अभिमानियों को धारणा हो नहीं सकती। तुम जानते हो बाप को याद कर हम वैश्यालय से शिवालय में जाते हैं, तो ऐसा बनकर भी दिखाना है। बाबा तो चिट्ठियों में लिखते हैं लाडले रूहानी साहेब जादो, अब श्रीमत पर चलेंगे, महारथी बनेंगे, तो साहेब जादे जरूर बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट ही यह है, एक ही सच्चा बाबा तुमको सब बातें अच्छी रीति समझा रहे हैं। सर्विस करोड़ों का कल्याण भी करते रहो। योग बल नहीं तो फिर इच्छाएं होती हैं, यह चाहिए वह चाहिए, वह खुशी नहीं रहती। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। साहेब जादों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, वह नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती हैं। अरे बाप विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी और क्या चाहिए। हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम इतने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं सबको मैसेज देते जाओ, साहेब आया हुआ है, वास्तव में तो तुम सब ब्रदर्स हो। भल कहते हैं हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए, इस ख्याल से भाई कह देते हैं, यह तो बाप कहते हैं। तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेविन बनाते हैं बच्चों को, सर्विस की युक्तियां तो बहुत समझाते हैं, मित्र संबंधियों को भी समझाना है। देखो बच्चे विलायत में हैं, वह भी सर्विस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आफते देख कर समझेंगे, मरने के पहले वर्षा तो ले लो। बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं, पवित्र भी रहते हैं, बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे वह मुश्किल है। बाप ने तो बच्चों को साहेब जादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है। अपने को देखना चाहिए, सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे। अगर कोई ने जमा किया तो वह खाते खाते चुकतु हो गया और ही उनके खाते में चढ़ता है। सर्विस करने वाले को कभी यह ख्याल भी न आए कि हमने इतना दिया, उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की खातिरी भी की जाती है। समझाना चाहिए वह खिलाने वाले हैं, रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो, यह बड़ा हिसाब है। मनसा वाचा कर्म न, उन्होंने सर्विस ही नहीं करेंगे तो वह खुशी कैसे होगी। शिव बाबा को याद कर भोजन बनाते हैं तो उनकी ताकत मिलेगी। दिल से पूछना है हम सबको राजी करते हैं, महारथी बच्चे कितने सर्विस कर रहे हैं। बाबा रेगजीन पर चित्र बनवाते हैं, यह चित्र कभी टूटेंगे फूटेंगे नहीं। बाबा के बच्चे बैठे हैं, आपे ही भेज देंगे। बाप फिर पैसे कहाँ से लाएंगे, यह सब सेंटर्स कैसे चलते हैं, बच्चे ही चलाते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है,
आगे चलकर तुमको आपे ही आकर कहेंगे, हमारे मकान तुम काम में लगाओ। तुम कहेंगे, अब टू लेट, बाप है ही गरीब निवास, गरीबों के पास कहाँ से आए। कोई तो करोड़पति पद्मपति भी हैं, उन्होंने लिए यहाँ ही स्वर्ग है। यह है माया का पॉम्प, उनका फॉल हो रहा है। बाप कहते हैं, तुम पहले साहेब शादे बने हो, फिर सहेब शादे जाकर बनेंगे, परंतु इतनी सर्विस भी करके दिखाओ ना, बहुत खुशी में रहना चाहिए। हम साहेब शादे हैं, फिर शहजादे बनने वाले हैं। शहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करेंगे। कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, किसी को कभी न तो नाराज करना है न नाराज होना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। दूसरी पॉइंट है, योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहेब जादे सो सहेजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रहे सर्विस करनी है। रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। विश्लेषण है, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है, जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का यह ताज उस रत्न जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा परमात्मा भाग्यवान आत्मा ऊंचे से ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं, जिसका सूचक लाइट का ताज है। आज का स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। अच्छा, ओम शांति।